प्रश्नावली 2.1 का तीसरा सवाल, एक जादुई वर्ग में प्रत्येक स्तंभ का प्रत्येक विकर्ण का योग समान होता है, तो क्या यह एक जादुई वर्ग है अथवा नहीं है, यह हमें पता करना है। तो इसको हल करेंगे 4, 9, 13 और 2, 15/11, सब में 11 है तो बटे में 11, 3, 5, 8, 8 और 7, 15/11, 8 और 1, 9, 9 और 6, 15/11 है 11। अब इधर 8 और 3, 11 और 4, 15/11, 1 और 6, 1 और 5, 6, 6 और 9, 15/11, 2 और 7, 9, 9 और 6, 15/11। यहाँ पे प्रत्येक पंक्ति और प्रत्येक स्तंभ में सभी में 15/11, 15/11, 15/11, 15/11, 15/11, 15/11 हमें प्राप्त हो रहा है, किंतु विकर्ण में हमें देखना पड़ेगा जादुई वर्ग के लिए विकर्ण में भी 15/11 प्राप्त हो रहे हैं अथवा नहीं। अगर विकर्ण में 15/11 प्राप्त नहीं होते हैं तो ये जादुई वर्ग नहीं होगा। तो ये विकर्ण इस प्रकार से, दो विकर्ण बनने ये वाला, तो इसको जोड़ेंगे हम यहाँ पे 4 और 5, 9, 9 और 6, 15/11, एक विकर्ण में तो 15/11 आ रहा है। अब दूसरे विकर्ण में ये वाला, इस विकर्ण में 8 और 5, 13 और 2, 15/11, अर्थात सभी में 15/11, 15/11, 15/11 प्राप्त हो रहा है, तो यह एक जादुई वर्ग है।